हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? आज आपका एक बार फिर से स्वागत है नन्नू के व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल वगैरह देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं इंडिया गेट। तो इंडिया गेट को एक्सप्लोर कराएंगे आपको, वीडियो में बने रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं तो है आज 13 जनवरी 2023। तो आज लोहड़ी का त्यौहार भी है, तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे, उस पर वीडियो जल्द ही देखने को मिलेगी आपको। तो भाई लोग, मैं जा रहा था रोड पर, तो पहले हम पकड़ेंगे बस। तो 370-380 जाती है जो हमारी बैंगलोर स्टैंड से जाती है पहले सुपर बाज़ार के लिए। सुपर बाज़ार से हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद सुपर बाज़ार उतरने के बाद हमें पकड़नी पड़ेगी 894 जो जाती है बड़ोड़ा हाउस। और बड़ोड़ा हाउस से सिवा हमें चलना 200 या 300 मीटर दूर, सीधा हम पहुँच जाएंगे इंडिया गेट। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर, और सुबह मौसम काफ़ी बेकार हो रहा था इसलिए मैं सुबह नहीं जा पाया, तो इसलिए मैं इस समय आया हूँ। अब चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। इंडिया गेट घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी हो रही है। गाइज, आखिरकार मैं उतर चुका हूँ यहाँ पर इंडिया गेट के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी, मैं आया था दोपहर के समय और मुझे यहाँ पर आते आते रात हो गई। मेरे दोस्त ने ऐसा रूट बताया मुझे और ऐसी बसें बताई, तो मैं उसकी वजह से काफ़ी लेट हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, अब बिना देरी के फटाफट चलते हैं हम इंडिया गेट के क्लोज़ और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पर, जिस तरह से देख पाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। भाई लोग, मैं फंस चुका हूँ अब काफ़ी, अब मुझे पड़ रही है थोड़ी दिक्कत, तो मुझे यहाँ से भी करना पड़ेगा अभी ऑटो। तो यहाँ से 20 रुपये लगेंगे मेरे। मैं आ चुका हूँ काफ़ी दूर, मुझे उतरना था थोड़ा और आगे, तो मैं काफ़ी पहले उतर चुका हूँ। तो यहाँ से करते हैं पहले टेम्पो और पहुँचते हैं इंडिया गेट। फाइनली गाइस, मैं आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं यहां पर इंडिया गेट पे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, मेरे सारे पैसे ख़त्म भी हो चुके हैं, अब सिर्फ अब बचे मेरे पे 5 रुपये। तो अब उस 5 रुपये में मुझे जाना है घर। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बताएंगे वीडियो के अंदर, बने रहे। और वीडियो फुल इन्जॉयमेंट होने वाली है, बने रहे वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे आगे। भाई लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी हम आने वाली है, तो 26 जनवरी की वजह से काफ़ी दिक्कत पड़ रही है यहाँ पर। वहाँ पर ही बस उतार देती है स्टैंड पर मेट्रो के जो है, तो उससे हमें फिर आगे आना पड़ता है ऑटो करके। तो फिर अब यहाँ से जाएंगे अंडरपास में, तो मैं अंडरपास पे आ चुका हूँ। यहाँ से अंडरपास पार करेंगे और सीधा पहुँचेंगे इंडिया गेट। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई और मैं काफ़ी लेट भी हो चुका हूँ। फटाफट एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं।
मैंने अब अंडर पास पार कर लिया और मैं आ चुका हूँ रोड के इस पार। अब चलते हैं इंडिया गेट में, फटाफट देरी ना करते, थोड़ा भाग लेते हैं, थोड़ा दौड़ के चलते हैं ताकि जल्दी पहुँचे और जल्दी हम फिर अपने घर के लिए भी निकलें। चलते हैं अंदर को दिखाते हैं आपको। तो मैं यहाँ पर आया हूँ काफ़ी समय बाद, पता नहीं कितने सालों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर पहले चलती थी बोट, मैंने अभी पता करा तो बोल रहे हैं कि यहाँ बोट वगैरह नहीं चलती। तो बाकी देखते हैं, ढूंढते हैं, जैसा भी होगा जितना भी होगा दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं। तो मैंने इंडिया गेट तो देख ही लिया, तो आप चलते हैं आगे की साइड। तो अब देखते हैं पहले बोट का सेशन, जो मतलब जहाँ बोट वगैरह पहले चलती थी हमारे टाइम में। मैं काफ़ी समय बाद आया हूँ, पता नहीं 10 साल बाद आया हूँ मैं यहाँ पर। तो ढूंढते हैं पहले, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। मैं ज़्यादातर लेफ्ट में, तो पहले लेफ्ट की जगह देखेंगे उसके बाद करते हैं आगे चलते हैं। पब्लिक देखो, रात में भी काफ़ी भीड़ है, दिन में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी रात में होती है। यहाँ पर भीड़ देखो, भीड़ दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। यहाँ देखो वो क्या देखने आई है, सबसे मेन ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो इसकी लाइटिंग है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त लगी। देखो भाई लोग, जैसा कि हमें पता चला जहाँ पर पहले ना बोटिंग वगैरह होती थी, तो वहाँ पर अब ये फाउंटेन को डेकोरेट कर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इंडिया गेट नज़दीक से। गाइज मैंने जैसा कि लेफ्ट में दिखाया था आपको, फाउंटेन था अपना तिरंगे का जो झंडा है उसके कलरों का फाउंटेन था। तो मैं अब चलता हूँ राइट की तरफ और राइट की ओर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या क्या चीज़ है। तो बताएंगे इसके बारे में और दिखाते हैं आपको, चलते हैं आगे। तो गाइज एक फॉरेनर कंट्री के लोग हैं यहाँ पर विजिट करने आए हैं अपने इंडिया में। काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर से फॉरेनर वगैरह भी हमारे देश को देखने के लिए आते हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें घूम फिर के यहाँ पर। तो हमें भी अच्छा लगता है अपना देश, तो लाइक शेयर जरूर करना। ऊपर का देखो आप व्यू कितना प्यारा लग रहा है, जो इंडिया के अपने फ्लैग के कलर में है। मैं आ चुका था इंडिया गेट के बैक साइड की तरफ, तो यहाँ पर मुझे एक स्टैचू दिखाया, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, देखता हूँ आपको अगर हमें भी पता चलता जितना भी तो बताते हैं उसके बारे में। चलते हैं आगे की साइड। कमेंट में गाइस जरूर बताना कि किसकी मूर्ति है। मैं भी यहाँ पर रात में आया था, मुझे भी इतना अभी मालूम नहीं इसके बारे में ज़्यादा। अगर मैं दिन में आया तो किसी अपने दोस्त के संग आया होता ना जिसको ये मालूम है, तो मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ दिखा सकता था, पर मुझ पर जितना भी हो सका तो मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी यार चलते हैं घर, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, अब बच चुके हैं 8 और मैं आया था दोपहर में 2 बजे करीब। तो मैं बस की वजह से काफ़ी दिक्कत पड़ गई मेरे को और मेरे पास पैसे हो चुके हैं अब ख़त्म, अब 5 रुपये बचे हैं जिसकी वजह जिससे मुझे अब घर भी जाना है। देखते हैं हम कैसे जाते हैं घर, या तो हम नहीं लेंगे बस का किराया या तो करते हैं हम कुछ जुगाड़, चलते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय। तो भाई लोग घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी जगह है ये, देखने की प्लेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको आने पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ 1 रुपया नहीं लगने का, बाकी आपका जो किराया बस वही लगेगा। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है, मज़ा आया मुझे भी घूमकर, और रात में ज़रूर आना, रात का व्यू देखना, आँखों से देखने में अलग बात है, कैमरे से काफ़ी अलग, तो ज़रूर आना।